जब आप बाजार जाएं और आप सही जगह पर सही चीज तक पहुंच जाएं अल्लाह की मदद से, तो उसमें क्या फायदा होगा? वक्त भी बचेगा, एनर्जी बचेगी और नुकसानदेह चीज से बचेंगे और भलाई के साथ वापस लौटेंगे। इससे आप देखिए कि हमारा दीन इंसानों की कितनी खैरखाई करता है कि हर हर मौके की उसको दुआ सिखा दी। और जब इंसान अल्लाह से दुआ मांग लेता है तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करता है, क्योंकि दुनिया में हर चीज असबाब के साथ हो रही, ऐसे असबाब पैदा करता है कि अचानक कोई शख्स आपको मिल जाता है, वो आपको फौरन एक टिप दे देता है कि तुम फलां चीज लेना चाहते हो, फलां काम करना चाहते हो, फलां जगह चले जाओ, फलां चीज ले लो, फलां चीज फायदे की। तो वो इंसान को, क्योंकि ये दुनिया में इतनी मालूमात है हर चीज के बारे में, इतनी वुस्सत है कि वाकई आपका इल्म उसके मुकाबले में बिल्कुल महदूद है, और आप इंतहाई इल्म होते हुए भी आप इंतहाई नुकसानदेह चीज तक पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते आप, आपके पास कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में दुआ सिखाई गई, और इंसान अगर ऐसी दुआ मांगता है, और अगर आपको अरबी में अभी नहीं भी आती तो जब आप बाजार के इरादे से घर से निकले तो ये दुआ कम अज कम उर्दू में जरूर मांगे। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी कार के किसी हिस्से में लिख के लगा दें, यानी इसको एक स्टिकर पे लिखे, किसी एक कागज पे लिखे, उसको किसी ऐसी जगह लगा दें, किसी अपने वॉलेट पे लगा दें, कहीं लगा दें कि जो आप बाजार में खोलेंगे या बाजार जाते हुए जिस चीज पे आपकी नजर पड़ेगी, और फिर आप उसको पढ़ के बाजार में दाखिल हों। क्योंकि एक हदीस में ये भी आता है कि बदतरीन जगह अल्लाह के नजदीक क्या है? बाजार है। तो यहाँ खासतौर पर दुआ सिखाएगी कि या रब, मैं आपसे इस बाजार की और जो कुछ इस बाजार में उसकी भलाई तलब करता हूँ, यानी जो मेरी जरूरत की चीज है और जो मेरे लिए फायदा मंद है और जहां जिस चीज में खैर है मुझे वहां तक ले जा, और इस बाजार के शर से और जो कुछ इस बाजार में है उसके शर से। और बाजार में शर सिर्फ ये नहीं कि चीजों में होता है, शर किस किस चीज में होता है बाजार में? इंसानों में भी हो सकता है। इंसानों में कोई चोर उचक्का हो सकता है, कोई आपकी जेब काटने वाला हो सकता है, या अगर वो ऐसा ना भी हो तो कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो ऐसे हुलियों में फिर रहे हों कि जो आपकी निगाहों के गुनाहों का सबब बने, या ऐसे काम कर रहे हों, या लड़ाई झगड़ा कहीं हो, या फितना फसाद हो। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि यहाँ झूठी कसम खाऊं या खरीदो फरोख्त में नुकसान उठाऊं। और नुकसान आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि चीजों की कीमतें फिक्स है और फिक्स प्राइस आपको देना है, कौन सी बार्गेनिंग करना है, तो नुकसान का तो अंदेशा ही नहीं, बस जो है वही खरीदना है। नुकसान सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी चीज को सस्ता या महंगा खरीदें, नुकसान ये भी हो सकता है कि आपने जो चीज अपने लिए फायदा मंद समझ के खरीदी वो आपके लिए अल्टीमेटली इंतहाई नुकसानदेह साबित हुई, और आपकी हेल्थ के लिए और आपके और बहुत सी चीजों के लिए वो एक मुसीबत का बायस हुई जो कि बजाहिर नजर नहीं आ रही। ठीक है, खरीदो फरोख्त में नुकसान से बचने की दुआ। अगर आपकी दुकान या दफ्तर बाजार में है, या किसी और काम से बाजार जा रहे हो, या बाजार में दाखिल होते वक्त ये मसनून दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुका खैर हाज़िहि सूक़ी व खैर मा फीहा व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्र मा फीहा, اللهم اني اعوذ بك ان اصيب فيها يمينا فاجره او صفقه خاسره। ترجمہ ہے، میں اللہ کا نام لے کر بازار میں داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا خرید و فروخت میں نقصان اٹھاؤں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو بازار کی بھلائی طلب کی گئی ہے، یہ قابل غور ہے۔ بازار کی بھلائی کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں؟ کیا ذہن میں آتے، کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ کہ جو کچھ میں لینے جا رہا ہوں وہ واقعی میرے فائدے کا ہو، ضرورت کا ہو اور بہترین ہو۔ اور خاص طور پر آج کل آپ دیکھئے کہ کسی بھی چیز میں اتنی زیادہ ورائٹی ہے، آپ کے ہاں خصوصاً۔ مثلا آپ ایک شیمپو ہی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک قطار ہے شیمپوز کی، اب آپ کیا دیکھ کے لیتے ہیں؟ بعض اوقات صرف بوٹل، بعض اوقات صرف اس کا جو بظاہر رنگ ہے یا اس کی خوشبو، یا کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلان چیز بہت اچھی ہے، یا یہ کہ کبھی اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور اپنے اندازے سے کہ ہاں میرے خیال ہے یہ مجھے سوٹ کرے گا۔
और आपको नहीं पता होता कि वो वाकई आपके लिए सुटेबल है भी या नहीं। तो कुछ अरसे के बाद आपको कुछ नुकसान होता था, आप कहते वो असल में मुझे फलां चीज से एलर्जी थी और मुझे पता नहीं था और मैंने गलत चीज खरीद ली। ऐसा होता बहुत दफा होता है, और खसूसन जब वैरायटी बहुत ज्यादा हो तो इंसान के लिए किसी चीज की चॉइस करना जो है वो भी बहुत ज्यादा वक्त का जाया करना भी। जब आप आपके सामने एक लिमिटेड चीज होती है और आप सही चीज तक पहुंचते हैं तो आपका वक्त भी बचता है और आपका दिमाग भी परागंदा होने से बचता है। दिमाग की परागंदगी क्या होती है? सोचों का मुंतशिर होना। जब बहुत वैरायटी होती है ना, आप एक चीज ले आते फिर आपकी तसल्ली नहीं होती। आप क्या सोचते हैं निकल कर, अच्छा वो मैं ये ना लेती और वो लेती ना वो ज्यादा अच्छा था और उसकी कीमत ज्यादा बेहतर थी या उसका जो उसमें फलां ऑफर थी या फलां चीज थी। बस चीजें आप सिर्फ ऑफर्स के पीछे जाके लेते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी तो घूमती ही सिर्फ ऑफर्स के पीछे कि अपनी जिंदगी का एक कीमती तरीन हिस्सा किसमें लगा देते हैं, सिर्फ ये देखने में कि कौन सी चीजें कहां सस्ती हैं।